उर्दू की छठी किताब, छठी जमात के लिए सबक है एक मुअज्जिद की कहानी। मुअज्जिद ईजाद करने वाले। मुअज्जिद की कहानी के अल्फाज मायने। एक मुअज्जिद की कहानी। थॉमसन एल्वा एडिसन 11 फरवरी 1847 को मिलान में पैदा हुआ। मिलान अमेरिका की रियासत ओहियो में एक जगह का नाम है। अगरचे वो स्कूल में अच्छा तालिब इल्म साबित ना हुआ, लेकिन ज़िंदगी भर उसकी माँ की उम्दा तरबियत इसके काम आई। शुरू ही से उसे नित नए तजर्बात करने का शौक़ था। अपने घर के तहखाने में उसने एक छोटी सी तजर्बागाह बना रखी थी। रेलगाड़ियों पर अखबार फरोख्त करके वो अपना गुजर बसर करता था। फिर एक पुरानी मशीन खरीद कर रेलगाड़ी में ही अखबार छापने शुरू कर दिए। ये थॉमस एडिसन की उनके लैब की पिक है। एक रोज़ इत्तेफाक से उसकी तजर्बागाह में फास्फोरस की एक डली फर्श पर गिर पड़ी और चलती गाड़ी में आग लग गई। गार्ड ने गुस्से में आकर ये तजर्बागाह प्रेस और सारा सामान अगले स्टेशन पर उठाकर फेंक दिया और एडिसन के कान भी खींचे। वो इसी वजह से बाकी तमाम उम्र कानों में तकलीफ़ महसूस करता रहा। एडिसन ने इस वाक़े से हिम्मत नहीं हारी। उसे एक रेलवे स्टेशन पर टेलीग्राफी सीखने का मौका मिल गया और फिर वो टेलीग्राफ ऑपरेटर की हैसियत से मुलाजिम हो गया। वो नहायत अच्छा ऑपरेटर साबित हुआ। रात को वो ड्यूटी देता और दिन भर अपने तजर्बात में गुम रहता। उसका काम ये था कि वो हर घंटे एक दूसरे रेलवे मुलाजिम को सिग्नल भेजता था। उसने आसानी के लिए सिग्नल भेजने वाला एक ऐसा आला ईजाद कर लिया जो खुद ब खुद काम करता था। पैगामात वसूल करने के लिए भी उसने एक खुदकार रिकॉर्डर तैयार किया। इसी आले से उसे फ़ोटोग्राफ बनाने का ख्याल आया। 1869 में एडिसन ने एक ऐसा आला ईजाद किया जो वोट शुमार करता था। फिर उसने एक टैब मशीन बनाई। कुदरत ने उसे हर मैदान में कामयाबी अता की। इत्तेफाक से उसे न्यूयॉर्क पहुंचने का मौका मिल गया। वो काम की तलाश में एक ऐसी कंपनी में जा बैठा जो बिजली के एक आले के ज़रिए अपने ग्राहकों को मंडी के भाव भेजा करती थी। वो दफ्तर में बैठा हुआ था कि उसकी मशीन ख़राब हो गई, लेकिन एडिसन ने जल्दी उसे दुरुस्त कर दिया। इस वाक़े के बाद उसे मैनेजर मुकरर कर दिया गया। अक्टूबर 1869 में एडिसन ने एक इंजीनियर के साथ मिलकर टेलीग्राफ की एक नई मशीन ईजाद की जिसे एक कंपनी ख़रीदना चाहती थी। एडिसन अपने ख्याल में इसके लिए $5,000 मांगना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। खुदा का करना ये हुआ कि कंपनी ने खुद ही उसे $40,000 दे दिए। इतनी ज़्यादा रकम पाकर उसकी खुशी की इंतहा ना रही और वो बेहोश होते होते बचा। ये बात उसने अपने हालात ज़िंदगी में खुद लिखी है। इतनी रकम मिल गई तो एडिसन ने न्यू जर्सी में एक बड़ी दुकान खोली जिसमें वो टैप मशीन और उसके पुर्जे बनाता था। फिर उसने टेलीग्राफी और तार बरकी के आलात में इस्लाह की। 1876 में ये तमाम कारोबार छोड़कर उसने फ्लो पार्क में अपनी मशहूर व मारूफ तजर्बागार वर्कशॉप की बुनियाद डाली।
यहाँ उसने सबसे पहले ग्राहम बेल के ईजाद किए हुए टेलीफोन को बेहतर बनाया, जिससे आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देने लगी। 1877 में उसने फोटोग्राफ ईजाद किया। दुनिया इस आले को देखकर दंग रह गई। लोग उसे जादूगर कहने लगे। इतने आले ईजाद कर देने के बाद एडिसन ने बिजली की रोशनी की तरफ तवज्जो दी। उसी की मेहनत का नतीजा है कि आज गांव-गांव बिजली पहुंच चुकी है और रात को भी दिन का समय रहता है। एडिसन ने ही बिजली का बल्ब तैयार किया। वो रोशनी हासिल करने के लिए कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना चाहता था जो बर्की रो से चमके और ख़त्म ना हो। उसने कई धातुओं के तारों पर तजुर्बात किए, लेकिन उसकी ज़रूरत कार्बन से पूरी हुई। फिर बांस का रेशा उस काम के लिए मौजू पाया तो उसने उमदा बाँसों की तलाश शुरू कर दी। उसने अपने आदमियों को उन इलाकों में भेजा जहाँ अच्छा बांस पैदा होता है। वो अपने तजर्बात में कामयाब रहा और जब पहली मर्तबा न्यूयॉर्क का शहर बिजली की रोशनी से जगमगा उठा तो उसकी सैर के लिए दूर दराज से लोग आए। हुकूमत को स्पेशल गाड़ियाँ चलानी पड़ी। एक मुद्दत से एडिसन के जहन में मुतहरिक तस्वीरों का ख्याल था। उसने 2 साल बाद एक और मुफीद चीज़ ईजाद की, जिसका नाम कैंटोग्राफ रखा। ये दुनिया का पहला मोशन पिक्चर कैमरा था, जिससे मुतहरिक अशिया की तस्वीरें ली जा सकती थी। इसके बाद कैनेटव स्कोप ईजाद हुआ, जो मौजूदा सिनेमा की तरफ पहला कदम था। ये एडिसन की मेहनत का समर है कि आज हम सिनेमा की तफरीह से दिल बहलाते हैं। एडिसन ने वायरलेस पर भी कुछ तजर्बात किए और ऐसा इंतज़ाम कर लिया था जिसकी मदद से चलती गाड़ियों तक पैगाम भेजे जा सकते थे। उसने एक्सरे का एक आला ईजाद किया, जिसे जराही में इस्तेमाल किया गया। पहली जंगे अजीम के दौरान उसने अपने मुल्क यानी अमेरिका की बहरी फौज के लिए तकरीबन 40 मुफीद चीज़ें ईजाद की। एडिसन की ईजादों की फहरिस्त खासी लंबी है। खुद उसने अपनी ज़िंदगी में 1300 ईजादात रजिस्टर कराईं। शायद ही कोई मैदान हो जिसमें उसने तजर्बात ना किए हों। उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन 18 अक्टूबर 1931 था। उस वक्त भी वो तहकीकात और तजर्बात में मसरूफ़ था। मुल्को कौम ने उसकी कदर की और उसको अपना मोहसिन जाना। एडिसन को खुद भी अपनी ईजादात से माली फ़ायदा पहुंचा। उसने एक कामयाब ज़िंदगी गुजारी। तमाम उम्र मेहनत से काम किया। उसने गरीबी व मुफलिसी के दिन भी देखे और अच्छे दिनों की कदर की। अपना वक्त ज़ाया नहीं किया और ज़िंदगी भर इंसानियत की भलाई के लिए मुख्तलिफ ईजादात की। जब हम अंधेरे कमरे में रोशनी करते हैं या टेलीफोन उठाकर किसी से गुफ्तगू करते या म्यूज़िक सुनकर अपना दिल बहलाते हैं, तो शायद ही किसी को उस मौजूद का ख्याल आता हो जिसने दुनिया को बहुत सी ईजादात दी। उसने मरते दम तक इतना काम किया कि उसकी मेहनत से हम आज तक फ़ायदा उठा रहे हैं।